लोग ये कह रहे हैं राजौंद में बना दो गर्ल्स कॉलेज है, लड़कियों को बाहर जाना पड़ेगा, सुरक्षा का मामला है। वो कह रही है नहीं 6 किलोमीटर बाहर बनाऊंगी। लोगों के लिए काम कर रहे हो, लोग ही खुश नहीं है तो फिर क्या करोगे। तो ये ऐसे ऐसे काम किए हैं इन्होंने तो अपने 5 साल में, जिसके लोग मिसाल दे रहे हैं। 1509 का रेट रोज गिर रहा है, रोज कम होता जा रहा है। इनको पता था दे तो सकते नहीं, इसलिए चुनाव करा लो पहले ही, क्योंकि उसके बाद तो पोल खुल जाएगी कि एमएसपी नहीं दे पाए और फिर लोग अच्छे से इलाज करेंगे। फिर आई बात इसकी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है तो लोगों ने कहा भाई बाहर बना दो बदबू आएगी, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। बोली नहीं शहर के बीच में बनाऊंगा। तो मुझे लगता है कि ऐसी सरकार होनी चाहिए हरियाणा के अंदर भी, जो किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, उनके मुद्दों पे बात कर सके, उनका समाधान कर सके। कि आप लोगों ने इनको बहुत मौके दे लिए, सारे राज परिवारों को कई कई बार मौके दिए, कुछ काम नहीं हुआ कलायत के अंदर। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार कुछ नहीं है कलायत के अंदर। एक मौका आप आम परिवार से आए हुए अपने बेटे को दीजिए, अगर 5 साल में काम ना कर पाए तो मैं तो खुले तौर पे कहता हूँ कि अगली बार बहिष्कार कर दीजिएगा हमारा, हमको गांव से निकाल दीजिएगा। लेकिन कल ब्रेकिंग टीवी देख रहे हो आप इस समय सीधी लाइव, तुषार आपको कलायत विधानसभा अनुराग डांडे जी पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे मुद्दों की, धरातल की, शिक्षा की, रोजगार की। अनुराग जी नमस्कार। नमस्कार जी। हर जगह जा रहे हूँ, गली मोहल्ले में हर लोगों से मिल रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जाना तो पड़ेगा लोगों के बीच में, लोगों के काम करने हैं, अगर समझना भी है कि क्या करना है तो लोगों से ही तो समझेंगे, इसलिए लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनसे वोट अपील कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि 3 राजनीतिक परिवारों को 30 साल दे दिया कलायत ने और कुछ भी नहीं हुआ कलायत में, तो अगर इनको हटा दें इन राज परिवारों को तो शायद कुछ भला हो जाए कलायत का। तो इसलिए एक आम आदमी को इस बार विधानसभा भेजना बहुत ज़रूरी है और लोग इस बात का स्वागत कर रहे हैं। पूरे कलायत के अंदर बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत ज़बरदस्त साथ, प्यार, समर्थन मिल रहा है लोगों का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग इस बार आशीर्वाद देंगे। लोगों के पास जाते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोज़गार का, रोज़गार कैसे दिला पाओगे? देखिए अब तक जो कुछ हुआ, 1.5 लाख नौकरी खाली रहती थी सरकारी नौकरी जब कांग्रेस की सरकार होती थी, अब बीजेपी की सरकार है तो 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है। मेरे तो आज तक यही नहीं समझ में आया कि ये खाली रख के करते क्या हैं। हमने दिल्ली में सरकार बनाई तो 10 साल में 12 लाख नौकरी दी, पंजाब में सरकार बनाई तो 2 साल में 4 लाख नौकरी दी। हम लोग कर सकते हैं, हमको करना आता है। कोई फैक्ट्री लगवा देता है अगर इस इलाके में तो 2-4-5 हज़ार लोगों को तो ऐसे ही नहीं नौकरी मिल जाती। कोई जॉब फेयर तक नहीं लगवाया, कोई मेला नहीं लगाया, नौकरी का मेला तक नहीं लगा यहाँ पे। कोई बड़ी कंपनियाँ यहाँ हायरिंग के लिए भी आ सकती थी, कुछ भी हो सकता है, 100 तरीके हैं, और कोई बड़ी कंपनी भी आ सकती है यहाँ पे, लेकिन किसी ने कभी प्रयास ही नहीं किया। हम लोगों ने तो पंजाब के अंदर देखो अब कैसे इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ है जब से हमारी सरकार बनी है, कैसे इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। दिल्ली के अंदर देखो आप किस तरीके से हमने टैक्स को रिलैक्स कर दिया, तो ज़्यादा टैक्स देते हैं व्यापारी वहाँ पे, ज़्यादा पैसा सरकार के पास होता है तो नौकरी के ज़्यादा अवसर पैदा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको आती हैं, हमारे पास वो एक्सपीरियंस है जिससे हम कर सकते हैं। इन लोगों ने कभी प्रयास ही नहीं किया, ये चाहते ही नहीं कभी युवा नौकरी करें, ये चाहते हैं युवा रैलियों में जाते रहें, युवा भटकते रहें, धक्के खाते रहें, अपनी समस्याओं में उलझे रहें। अगर नौकरी करेंगे तो घर चल जाएगा, घर चल जाएगा तो इनसे सवाल पूछेंगे, इसलिए ये कभी चाहते ही नहीं कि गरीब और आम आदमी का बच्चा नौकरी करे या उनका घर चले। धान की फसल मंडी में, कुछ खेतों में, आज कैथल में की बात करूँ तो किसानों ने जाम लगाया, पहले 22 का डेट दी, फिर 28 की दी, अब आगे 1 की डेट दे दिया है। खरीद के बारे में क्या कहना चाहोगे? मुझे नहीं लगता कि 1 तारीख को भी करेंगे, मुझे लगता है कि ये जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक इस पर कुछ करेंगे नहीं ये लोग, क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं थी कभी। अगर इनकी नीयत होती तो ये पहले आराम से ये फसल की खरीद शुरू करते और 15 अक्टूबर के बाद चुनाव करा लेते, इनकी नीयत ही नहीं थी। इन्होंने कह तो दिया कि MSP देंगे, इन्होंने बीजेपी ने दावा कर दिया कि MSP देंगे, लेकिन इनको पता था दे तो सकते नहीं, 1509 का रेट रोज़ गिर रहा है, रोज़ कम होता जा रहा है। इनको पता था दे तो सकते नहीं, इसलिए चुनाव करा लो पहले ही, क्योंकि उसके बाद तो पोल खुल जाएगी कि MSP नहीं दे पाए और फिर लोग अच्छे से इलाज करेंगे इनका, इसलिए इन्होंने पहले चुनाव करा लिया। तो ये इनकी नीयत ही नहीं है कभी किसान का भला करने की, किसान का काम कराने की। 2024 में किसानों की आय दुगुनी का वादा करके वोट ले जाते हैं, लेकिन आम आदमी कितना देख तो आय दुगुनी कर पाएगा? मुझे नहीं लगता कि किसी भी किसान की आम आदमी की बात, आम आदमी पार्टी ने तो देखो जहाँ पे हमारी सरकार है, जैसे पंजाब में हमारी सरकार है, कैसे होती आय दुगुनी ये समझने का प्रयास कीजिए। पंजाब में किसानों की बिजली मुफ्त है तो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन उससे मिलता है। पंजाब में अभी हम महिलाओं के लिए योजना शुरू कर रहे हैं कि 1000 रुपये महीना उनको देना शुरू करेंगे तो घर में उससे कुछ पैसा आता है, आमदनी होती है। फिर स्कूल का कोई खर्चा नहीं होता, किसान के बच्चे भी तो पढ़ते ही हैं स्कूल में, कोई खर्चा नहीं होता, वो पैसा बचता है। अस्पताल में कोई भगवान ना करे आरी बीमारी आ जाए, कोई खर्चा नहीं होता, वो पैसे बचते हैं। टेस्ट कराने हो आपके गाँव में क्लिनिक बने हुए हैं, वो पैसे बचते हैं। आपके बिजली 300 यूनिट तक मुफ्त है, वो पैसा भी किसान का बचता है, घर का भी बचता है, खेत की भी मुफ्त है, दोनों जगह बचता है। फिर आपको अब जब
मुआवजा देने की बारी आई। पिछली बार फसल खराब हो गई, बाढ़ आई थी तो पंजाब में भी आई थी कुछ हिस्से में। आप अपने यहाँ चेक कर लो, 1 लाख से ज़्यादा किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिला उसका, बाढ़ का। और पंजाब के अंदर फसल खेत से उठने से पहले मुआवजा उनके अकाउंट में जा चुका था। तो अगर कोई एक्टिव सरकार है तो वो हर कदम पे मदद करती है, छोटी छोटी चीज़ों में भी मदद करती है। कोई किसान आंदोलन अब क्यों नहीं हो रहे वहाँ पे, सरकारों के खिलाफ अब क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि कोई भी समस्या आती है तो इमीडिएटली सरकार अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है, बात करती है, संवाद करते हैं, लोगों से समाधान करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी सरकार होनी चाहिए हरियाणा के अंदर भी, जो किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से उनके मुद्दों पे बात कर सके, उनका समाधान कर सके। 2 दिन पहले केजरीवाल जी आए थे, कोई और भी बड़ा नेता देखने को मिल सके? नहीं, सारे ही आ चुके हैं यहाँ पे। मान साहब आ चुके हैं कलायत के अंदर, कलायत मंडी में सभा की थी उन्होंने। मनीष सिसोदिया जी मेरे नॉमिनेशन पे आए थे। अरविंद केजरीवाल जी बाड़ू में बहुत ज़बरदस्त रैली करके गए। आगे मतलब कोई बड़ा भी देखने को? संजय सिंह जी और आतिशी जी का हम प्लान कर रहे हैं कि वो यहाँ पे कलायत में आए लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए। और मुझे लगता है कि ये सारे वो चेहरे हैं जिनको देख के लोगों को ये लगता है कि ईमानदारी ये चीज़ होती है, इस तरीके स्वाभिमानी आदमी इस तरीके से काम करता है, इन्होंने काम करके दिखाया है। तो ये आदर्श है लोगों के लिए और इससे हमें बहुत मदद मिलती है कैंपेन में। लोगों का कितना रिस्पॉन्स दिल जीत पाए अब तक? नहीं, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। गाँव के गाँव साथ दे रहे हैं, पूरे गाँव पंचायत करके समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसा अपने आप से अचानक तो नहीं होता है, ये सालों साल की कसक है लोगों की, गुस्सा है उनके अंदर भरा हुआ। और उनको एक उम्मीद नज़र आती है अरविंद केजरीवाल जी में, उनको एक उम्मीद नज़र आती है अपने आम घरों के बच्चों में, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है, इसलिए सब एकजुट हो रहे हैं, इस तरीके का माहौल बन रहा है। एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक लास्ट सवाल है। कमलेश डांडा जी हर भाषण में कहते हैं मैं 3 कॉलेज बना दी। आप छोड़ो कॉलेज, कुछ भी पूछ लो उनसे क्या काम कराया, एक भी। मैं पहले 5 कहता था, मैं अब कहता हूँ एक भी काम पूछ लो उनसे क्या कराया, मैं और आप कैमरा लेके चल पड़ेंगे। आप वो काम दिखा दो, मैं वैसे ही माफ़ी मांग लूँगा उनसे। एक काम भी धरातल पे नहीं कराया। कॉलेज जिसका वो नाम ले रही हैं, राजौंद कॉलेज का, राजौंद में लोग काले झंडे दिखा रहे हैं उनको, धरना कर लिया लोगों ने। क्या मांग है लोगों की, मतलब आप हंसोगे अगर सुनोगे तो। लोग ये कह रहे हैं राजौंद में बना दो, गर्ल्स कॉलेज है, लड़कियों को बाहर जाना पड़ेगा, सुरक्षा का मामला है। वो कह रही हैं नहीं, 6 किलोमीटर बाहर बनाऊंगी कॉलेज महिलाओं का, गर्ल्स का 6 किलोमीटर बाहर बनाएंगी, उनको 6 किलोमीटर हमारी बहनों को आना जाना पड़ेगा वहाँ पढ़ने के लिए। फिर आई बात कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, तो लोगों ने कहा भाई बाहर बना दो, बदबू आएगी जी। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, बोली नहीं शहर के बीच में बनाऊंगी। दोनों ज़मीन मौजूद हैं सरकार के पास, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बाहर ले जाना है 6 किलोमीटर, कॉलेज को अंदर लाना है। पिछले 3 साल से बहस चल रही है, लोगों ने धरना दे लिया, मांग कर ली, लेकिन जैसे किसान कानूनों पर अड़े हुए थे बिना बात के कि हम नहीं वापस लेंगे, नहीं वापस लेना पड़ा ना फिर बाद में। इसका भी बहुत प्रैक्टिकल तरीके से अगर देखो तो ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आप शहर के बीच में बनाओगे और गर्ल्स कॉलेज बाहर बनाओगे। इसको चेंज कर दो आपस में यार, लोग खुश हो जाएंगे। लोगों के लिए काम कर रहे हो, लोग ही खुश नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो ये ऐसे ऐसे काम किए हैं इन्होंने तो अपने 5 साल में, जिसके लोग मिसाल दे रहे हैं। तो लोगों से एक छोटी अपील, मेरी तो बस इतनी अपील है लोगों से कि आप लोगों ने इनको बहुत मौके दे लिए, सारे राज परिवारों को कई कई बार मौके दिए, कुछ काम नहीं हुआ कलायत के अंदर, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोज़गार कुछ नहीं है कलायत के अंदर। एक मौका आप आम परिवार से आए हुए अपने बेटे को दीजिए, अगर 5 साल में काम ना कर पाएँ तो मैं तो खुले तौर पर कहता हूँ कि अगली बार बहिष्कार कर दीजिएगा हमारा, हमको गाँव से निकाल दीजिएगा, लेकिन एक मौका तो बनता है हमारा, एक मौका दीजिएगा। तो आने वाली 5 तारीख ने भाई आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए भाई ज़रूर सोचना, जो आपके मुद्दे में खरा उतर पाए, जो आपके धरातल पर खरा उतर पाए, जो आपके सुख दुख में आवे, जो आपके भाई रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य दे पाए, वोट उसी ने देना। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।